अच्छा जी, एक नया मसला शुरू हो गया फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। वो ये है कि अमेरिकन्स और स्पेशली यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की बहुत वायलेशन हुई हुई है इस सारे जो मेगा स्ट्रक्चर है बनाने में। Qatar on Sunday, for more than a decade, millions of migrant workers have toiled to build 8 stadiums, a renovated airport, and a completely new public transportation system. But human rights groups say Qatar's migrant workers are often forced to labor under extremely poor conditions. They're demanding compensation. उनकी जो रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि 6,240 लोग इस कंस्ट्रक्शन को करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने पिछली सदी के सबसे ज्यादा लोग जंग में मार दिए। कतर ने ये बहुत बड़ा स्टैंड लिया कि उन्होंने कहा हम अल्कोहल ड्रेस कोड ये हमारी मर्जी का होगा, हमारे मुल्क में ये इवेंट हो रहा है तो आप लोगों को हमारा जो है ना कानून फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज का मसला स्पेशली यूरोपियंस को बहुत ज्यादा हो गया है और वो बार बार इस बात पे इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप लोग हमें अल्कोहल अलाउ ना करें। भाई अल्कोहल ही तुम लोगों ने अगर इस्तेमाल करनी है तो घर में बैठ के अल्कोहल पियो और मैच देखो। कतर को इस बात पे बड़ी दाद देनी चाहिए कि कतर ने स्टैंड लिया है इन सब लोगों के अगेंस्ट जाकर। नो डाउट उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ये कोई और गल्फ कंट्री होती या हमारा मुल्क होता तो कब के उनके आगे हम लेट चुके होते। लोगों को इस बात का इल्म होगा कि ये पहला मुस्लिम कंट्री है जो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब ये चीज गोरों को तो हजम नहीं होती। तरह आप ये देखें, ये कबूतर के मुंह वाला, ये फुटबॉल इस तरह पकड़ के खड़ा हुआ है जैसे ये अभी इसको खा लेगा या ये यहीं से इस फुटबॉल को घर ले जाएगा। यूज की जाती है हकीकी आजादी, आजकल हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा चल रही है। अगर वाकई हम आजाद होते तो हम दूसरों को ये बताते कि भाई हमारा मुल्क है, हमारे लॉज हैं, आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, फीफा के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुजरे हुए 3,000 साल और आने वाले 3,000 साल तक के लिए यूरोपियंस को पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह हम लोग दूसरों को डिक्टेट करते रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। इसके बाद प्रेसिडेंट का तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी वाह वाह जरूर हो गई थी।